नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेटेंट प्रोडक्ट की जो स्किन पे बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत फेमस काफ़ी टाइम से है। बहुत अच्छे तरीके से ये स्किन पे काम करता है। इसमें दो तरीके की मेडिसिन ऐड की गई है, एक बायोकेमिक सॉल्ट को ऐड किया गया, दूसरा जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उनको ऐड किया गया। यानी कि एक तरफ से ये हीलिंग का काम करता है और दूसरी तरफ से जो सिम्टोमेटिक चीज़ें हैं उनको भी ये मैनेज करने का काम करता है। बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्किन में जैसे छोटे छोटे इरप्शन हो जाते हैं, स्किन में खुजली होने की कंडीशन होती है, किसी को एक्जिमा हो जाता है, ड्राई एक्जिमा है या वेट एक्जिमा है, रिंग वर्म हो जाता है जो ठीक नहीं होते हैं। इसके अलावा सोरियासिस एक बीमारी है जो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है, उसमें भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसके साथ अगर इस मेडिसिन को दी जाए तो बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा डेली टू डेली लाइफ में रोजमर्रा में कुछ ऐसी कोई डिजीज स्किन की आती रहे जिसमें स्किन रहे, स्किन में कोई एचिंग रहे, इरप्शन रहे, ठीक है, रेडनेस स्वेलिंग देखने को मिले, उन सब पे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है। और इस मेडिसिन का नाम है फॉर्मूला डी, ये बैक्सन कंपनी की मेडिसिन है। फॉर्मूला डी बहुत अच्छे से काम करती है और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट हैं। ये आप समझिए एक्जिमा और लीचन प्लानस पे, इस पे तो लिखा है लाइकन या लीचन प्लानस जो भी आप समझें, लेकिन एक्चुअली ये रिंगवर्म पे भी काम करती है, जैसा कि मैंने इसको यूज़ किया है डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स पे। इसके अलावा ये जो क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, टीनिया क्रूरिस का जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जेनेटल एरिया में जो बहुत बुरे इन्फेक्शन होता है, उन पे भी ये धीरे धीरे हील करके बहुत अच्छे से काम करती है। और इसमें जो मेडिसिन है अगर उनको हम समझें और उनकी प्रॉपर्टी को समझें तो आप समझेंगे कि कितनी बढ़िया मेडिसिन ये है। इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है कैल्केरिया फ्लूर। कैल्केरिया फ्लूर इतना अच्छा बायोकेमिक सॉल्ट है जो बहुत सारे टाइप के सिम्टोमेटिक चीज़ों पे काम करता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, वाटर को बैलेंस करके रखता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। दूसरा कंपोनेंट है इसमें कैल्केरिया सल्फ। कैल्केरिया सल्फ जो है वो स्किन को क्लीन करने का काम करता है, कोई इन्फेक्शन आ जाता है उसको काम करने का काम करता है, कुछ इरप्शन आ गए हैं उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। दूसरा ब्लड को प्यूरीफाई करता है बहुत अच्छे से। थर्ड जो मेडिसिन है वो है इसमें नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा स्किन हीलर है, स्किन को हील करता है, लीवर को क्लीन करता है, लीवर को काफ़ी अच्छे से डिटॉक्सिफाई करने के लिए नेट्रम सल्फ को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो स्किन का मेटाबॉलिज्म है, या आप समझे पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, खासकर जो लीवर के थ्रू जितना मेटाबोलाइज होता है उन सब चीज़ों को ये मैनेज करता है, तो बहुत अच्छा मेडिसिन है ये नेट्रम सल्फ भी। और कैल्केरिया फ्लूर हो गया, कैल्केरिया सल्फ हो गया, ठीक है, और नेट्रम सल्फ हो गया। अब काली सल्फ एक मेडिसिन है, इसमें काली सल्फ को भी इसमें ऐड किया गया 3x पोटेंसी में। काली सल्फ मेडिसिन भी मेटाबॉलिज्म पे भी काम करती है, स्किन को हीलअप करने का काम करती है, दूसरा इम्यूनिटी को भी कुछ ना कुछ जो है इफेक्ट जो है काली सल्फ का रहता है। और जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो होम्योपैथी की है, इसमें ट्राइचुरेशन में ऐड किया गया आर्सेनिक एल्बम को 6x में इसके ऐड किया गया। आर्सेनिक एल्बम आप जानते हैं स्किन की बहुत अच्छी रेमेडी है, जहाँ पे स्किन में इरप्शन होती हो, खुजली होती हो बहुत तेज़ी से, ऐसी सब जगह आप इसको यूज़ करेंगे, रेडनेस हो, बेचैनी बहुत ज़्यादा पेशेंट को रहती हो, बाद में जलन होती है खुजली करने के बाद में, वहाँ सब जगह आर्सेनिक एल्बम काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टोक्स। रस्टोक स्किन में कहीं दाने पड़ जाएँ, ठीक है, खुजली हो, स्केलिंग हो, परत उतरती हो, स्किन से पपड़ी उतरने की कंडीशन बार बार आती हो, ठीक है, हर्पिस की बहुत इंटेंस बहुत तेज़ खुजली होती है, इन सब जगह इचिंग में जो है रस्टोक्स काम करता है। तो ये थी हमारी आज की मेडिसिन फॉर्मूला डी। आप लोग इसको यूज़ करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसको अपनी प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे, या आप पेशेंट हैं तो आपको भी अपने बहुत सारी जो प्रॉब्लम है आपकी ये सॉर्ट आउट करेगी। फॉर्मूला डी बहुत अच्छी मेडिसिन है और अच्छी कंपनी है बैक्सन। बैक्सन की खासकर जो टैबलेट है ये सीरीज बहुत अच्छी है और इस सीरीज में काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिसपे मैं वीडियो बनाऊंगा, जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, और काफ़ी बड़े जो रिजल्ट हैं इनमें देखने को मिल रहे हैं। खासकर फॉर्मूला डी के मैंने क्रोनिक पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, जैसे कुछ इचिंग के, लगातार इचिंग होने के, ड्राई इचिंग, सर्दी में जैसे कई बार किसी कपड़े से एलर्जी हो जाती है, उसमें मैं सल्फर के साथ इसको देता हूँ, सल्फर 200 की एक डोज, उसको डेली 3-4 दिन तक लेने के लिए, साथ में फॉर्मूला डी। जिनको वूलन के कपड़ों से एलर्जी है
उन पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा ड्राई एक्जिमा है क्रोनिक, और पुराना किसी को रिंगवॉर्म है जो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। साथ में आप चाहें तो सिम्टोमेटिक कोई मेडिसिन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये स्किन की इम्यूनिटी को हील अप करके बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।